दोस्तों आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स फंडा के यूट्यूब चैनल पर। अगर दोस्तों आपका एसबीआई में अकाउंट है और आपकी अगर एफडी है एसबीआई में, तो ये न्यूज आप सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एसबीआई ने क्या किया है कि अपनी जो एफडी के रेट्स हैं इसमें रिडक्शन कर दिया है, ठीक है, मतलब इसको रिड्यूस कर दिया है। तो एफडी आप सभी जानते हैं कि फिक्स डिपॉजिट एक तरीके का सिक्योर डिपॉजिट होता है, और ज्यादातर जो सीनियर सिटीजन है वो अपना पैसा इसमें बैंकों में, अलग अलग बैंकों में फिक्स डिपॉजिट के तौर पर इन्वेस्ट करते हैं। तो जो नई ब्याज दरें हैं वो क्या है, अगर आप 7 दिनों से 45 दिन के लिए अपना पैसा बैंक में रखते हैं तो आपको 3.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, और अगर आप 46 डेज से 179 डेज के लिए रखते हैं तो आपको 4.5% का जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आप 180 दिनों से लेकर 210 दिनों के लिए अपने पैसे को बैंक में रखते हैं एज अ फिक्स डिपॉजिट तो आपको 5% जो है ये मिलेगा, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर दोस्तों 211 दिनों से लेकर 1 साल से कम जो है आयु की अवधि के लिए अगर आप अपना पैसा बैंक में रखते हैं फिक्स डिपॉजिट के तौर पर तो आपको 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, और जो 1 साल से लेकर जो 10 साल तक की जितनी भी एफडी है इन सब पर जो ब्याज दर है वो 5.7% इतनी आ गई है, ठीक है। तो ये रिडक्शन जो है जायज है, क्योंकि आरबीआई ने कहा है कि भाई होम लोन की ईएमआई पर लोगों को रिलैक्सेशन दिया जाए, क्योंकि अभी देख रहे हो पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा गई है कोविड-19 की वजह से। तो कहीं ना कहीं पर ये जो है थोड़ा सा झटका मैं कहूंगा, क्योंकि जो सीनियर सिटीजन होते हैं वो तो भाई अपना पैसा ऑलवेज जो है बैंक में एफडी के तौर पर सिक्योर डिपॉजिट करके रखते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पर बैंक जो है अपनी जो रिकवरी तो करेगा, ओके। और ये एसबीआई की ओर से आया, लेकिन आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि अलग अलग बैंकों में भी इस तरीके का प्रोविजन दोस्तों कर दिया जाएगा, ठीक है। इस तरीके के करंट अफेयर्स और भी अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे यहाँ बहुत सारे अदर कंटेंट्स आ रहे हैं, लाइक एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव और भी जो जनरल करंट अफेयर्स की न्यूज है इसको भी एनालाइज कर रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि हर एक वीडियो आप सभी तक पहुंच पाए। सो थैंक यू गाइस, अपना ख्याल रखें। अभी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए।